अगर आप बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपके मसूड़ों में दर्द रहता है, दांतों से ब्लड निकलता है या फिर पीलिया रोग से पीड़ित है तो घबराइए नहीं। मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ इफेक्टिव मेडिसिन और सॉल्यूशन जिससे आप इन सारे समस्याओं से बड़े आराम से छुटकारा पा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए तब तक बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीलिया किसे बोलते हैं। अगर मसूड़े ज्यादा सूज जाए, लाल पड़ जाए जब हम ब्रश करें तो हमारे मसूड़ों से खून निकले और हमारे दांतों के नीचे कैल्शियम जैसा जम जाए तो हम इस कंडीशन को पीलिया बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज के बारे में, यानी कि हमें किस कारण से ये सारे समस्याओं को झेलना पड़ता है। गाइस सबसे पहला है जेनेटिक। अगर आपके मॉम डैड को पीलिया की समस्या रहती है तो इस कंडीशन में आपको भी पीलिया की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा कारण है ओरल हाइजीनिक। अगर अच्छे से ब्रश नहीं करते, आप अपने दांतों को अच्छे से ख्याल नहीं रखते तो आपको पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है स्मोकिंग, तंबाकू खाते हैं, बहुत ज्यादा पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं तो इस कंडीशन में भी पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण है कि आप अच्छे तरीके से खान पान नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन की कमी, आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं जिसके कारण आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन में भी आपको पीलिया होने की चांसेस बढ़ जाती है। ये थे पीलिया होने की कॉजेज। अब साइंस और सिम्टम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पीलिया का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है मसूड़ों में सूजन। अगर आपके मसूड़ों में सूजन बनी रहती है और हमेशा बनी रहती है तो आपको पीलिया हो सकती है। दूसरा, मसूड़ों में लालपन मतलब रेडनेस बहुत ज्यादा बनी रहती है और जब आप फ्रूट खाते हैं तो आपके मसूड़ों से खून निकलता है और ब्रश करते समय भी खून निकलता है तो समझ जाइए कि पीलिया है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन और मेडिसिन की तरफ। सबसे पहले आपको इन सारे प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। तो आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन है टूथ पाउडर जिसका नाम है हेक्ला लावा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हेक्ला लावा टूथ पाउडर के बारे में। इन सारे समस्याओं के लिए ये टूथ पाउडर किसी रामबाण से कम नहीं है। अगर आपके मुंह से बदबू आता है, आपके दांतों से पीलापन नहीं जा रहे, इन सारे समस्याओं के लिए एकमात्र हेक्ला लावा टूथ पाउडर। इस पाउडर को कुछ हफ्ते यूज करने के बाद ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और आप इन सारे कठिनाइयों से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। दांतों के संबंधित किसी भी तरह के रोग को जड़ से खत्म करता है ये पाउडर। ये कोई मामूली पाउडर नहीं है बल्कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका साइड इफेक्ट जीरो है। ये पाउडर 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है। इस पाउडर को सभी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में ही आपको फायदे मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इस पाउडर को 2 से 3 महीने यूज करने के बाद ही दांतों से जुड़ी सभी प्रॉब्लम चुटकियों में गायब हो जाएगा। इस प्रोडक्ट के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। अगर आपके दांतों में किसी भी तरह की समस्या है तो आप एक बार ये टूथ पाउडर जरूर यूज करें, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये पाउडर कितना बेहतरीन है। कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें मिला हुआ है हेक्ला लावा जो कि किसी भी दांत दर्द को, दांत में कोई भी इन्फेक्शन हो ये उसे ठीक करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है कैलेंडुला क्यूम। अगर आपके मसूड़ों में किसी भी तरह के जख्म हो जाए तो ये उसे ठीक करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है एस्टेफिसेगेरिया। ये खास करके पीलिया रोगों के लिए बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं डोजेज के बारे में। तो आपको सुबह और शाम इस पाउडर को यूज करना है। प्राइस की बात करें तो इस पाउडर का प्राइस MRP में 110 रुपया दिया हुआ है। 10-20 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। ये पाउडर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन होम्योपैथी मेडिसिन शॉप से आप खरीद सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में।